वाह, इस मछली का नाम क्या है? मुझे मालूम नहीं है। ये देखो, बिल्कुल टाइगर की तरह है, बंगाल टाइगर की तरह। तो मैंने सब उठा लिया गाइस, और ये मिले हैं मुझे इतने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भी गर्मी बहुत है, एंड आज गर्मी को अपन करेगा फिशिंग। तो फिशिंग इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे रेडी है गाइस। ये देखो, बड़े बड़े मछली मारने के लिए एकदम बड़ा सा हुक, और ये थोड़ा सा मीडियम साइज वाला हुक, एंड ये छोटे मछली मारने के लिए छोटा सा हुक। ये देखिए, इसे जो है बम्बू, ये फिशिंग रॉड बम्बू से, बिल्कुल ऑर्गेनिक लोकल। एंड जाल भी बिछाऊंगा मैं, इसे नहीं बिछाऊंगा आज, आज मैं बिछाऊंगा जाल। जाल काफ़ी ख़राब हो गए है, देख सकते हैं, पूरे पानी में सफा करना पड़ेगा अच्छे से। तो लेट्स गो गाइस, आज ढेर सारे मछलियाँ पकड़ेंगे हम अपने ही गांव में। मैं पहुंच गया बिल्कुल तालाब के सामने गाइस। वाह, यहाँ देखो मछलियाँ, मछलियाँ ही मछलियाँ भाई। और यहाँ पे जो है राइस कल्टीवेशन, पेडी पेडी फील्ड गाइस, वो देखो ग्रीन ग्रीन पूरा है ना, पूरा पेडी फील्ड है, चावल की खेती, धान की खेती। वाह, इतना बड़ा मछली भाई, देखा ना, पूरा हिल रहा है पानी, पूरा वाइब्रेट कर रहा है। तो मैंने अपने सारे के सारे जाल जो है बिछा दिए हैं गाइस, यहाँ पे एक, यहाँ पे पूरा वहाँ तक जो है मैंने सफा करके लगाया है, ये देखिए, एंड उधर साइड में भी लगाया है मैंने, आप लोग को बाद में दिखा दूंगा। और अभी रुकते हैं शाम तक, उसके बाद काफ़ी मछलियाँ फंसेंगे, और रात भर रखने के बाद तो और भी गजब भाई गजब। चलते हैं अभी, लेकिन मुझे ना हुक में एक भी मछली नहीं मिला, हुक में पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, शायद उन्हें खाने का मन नहीं है आज कुछ भी। चलो चलते हैं अब। इस जगह पे मैंने एक बिछाया है, जहाँ पे शुरू में आया था ना मैं, वो देखिए जाल से लंबा करके लगाया है मैंने, इसमें भी रुकना पड़ेगा काफ़ी देर, और फंसेंगे मछलियाँ। वो देखो गाइस, एक तो मछली मुझे दिख रहा है, मछली गाइस, अरे अच्छे से नहीं दिख रहा। वो देखो काला सा छोटा, हाँ अंदर घुस गया वो शायद वो, अरे अरे एक तो फंस गया क्या, अरे जाल हिला अभी, अरे हिला हिला, कहाँ है, भाग गया, अरे भाई, अरे अरे है, हाँ फंसा एक तो, अरे भाई, अरे अरे ला निकलना जाना, अरे हाँ फंस गया, फंस गया, पहला शिकार गाइस, छोटा सा, हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं थागेमास, इंग्लिश में कहते हैं चन्ना ओरंती फिश, या फिर स्नैकहेड फिश, जो भी है। ये देखो, हाँ अभी इसे रखते हैं, हाँ यहीं पे, अरे निकाल लेते हैं, हाँ अरे निकल जा भाई, हाँ अरे 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 कहाँ गिर गया भाई, ला गायब, बैड लक गाइस, एक तो मिला था वो भी चला गया, कोई बात नहीं, छोटा सा मछली था, और भी फंसेंगे। हाँ फिलहाल दूसरी वाली जाल पे जाते हैं हम, लगभग दो तीन घंटा वेट करना पड़ता है तभी फंसते हैं मछलियाँ। और इसके जो होल है जाल के, काफ़ी बड़े बड़े वाले हैं, इसमें बड़े वाले मछलियाँ ही फंसेंगे, ये देखो बड़े बड़े वाले होल है, तो बड़े वाले ही फंसेंगे इसमें, और पानी गहरा है इसमें, हाँ बीच में, इसलिए मैंने बड़े वाले जानबूझ के लगाया, क्योंकि गहरे पानी में बड़े बड़े मछलियाँ होंगे। ये देखो अंदर में, वाह। तो अभी चलते हैं गाइस घर की तरफ, क्योंकि इन्हें जो है फिर से चेक करने आना होगा मुझे तीन चार घंटे के बाद, लगभग शाम को मान लेते हैं, शाम को मैं चेक करने होगा। इन्हें अपने हुक्स वगैरह यहाँ पे रख के, इनका कोई काम नहीं, बड़े बड़े मछलियाँ अभी दिख नहीं रहे हैं, जब बड़े बड़े मछलियाँ दिखेंगे तभी इन हुक का इस्तेमाल करेंगे हम। लेट्स गो। अभी हो चुका है लगभग तीन घंटे गाइस, मैं जाल बिछा के आया हूँ, और अभी जाके चेक करता हूँ। और हवा बहुत जोरों से आ रही है गाइस, देख लो पूरा बादल छा गए, आज रात को पक्का बारिश आएगा, देख सकते हैं पूरा बादल ही बादल, काले काले बादल। फिलहाल मैं जाके मछलियाँ चेक करता हूँ अपने जाल में, अगर फंसे होंगे थोड़े बहुत तो शाम के लिए डिनर के लिए हो जाएंगे, सब्जी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है गाइस। फंसे है कि नहीं भाई जाल में, अरे एक भी नहीं दिख रहे, नहीं फंसे क्या एक भी, अरे फंसे हैं, फंसे हैं, मुझे दिख गया है गाइस, मैं नीचे जा के देखता हूँ कितने फंसे हैं। वाह पानी पूरा गर्म है गाइस, इतना धूप दिया ना, अरे इधर नहीं है, इधर नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें दिख गया गाइस, ये देखो, वाह कितना अंदर में, या
गाइस मेहनत रंग लाया गाइस। या 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 वाह लुक एट दिस गाइस। इसे हम रखते हैं इधर, और भी फंसे हैं मुझे दिख गए हैं। या अभी और इधर देखते हैं, शायद इधर भी फंसे होंगे। हाँ यहाँ एक छोटा सा, ये देखिए गाइस काफी अच्छा लगता है ऐसा मेहनत अगर रंग लाता है ना। वाह अरे अरे गिर मत जाना भाई, उसे सुबह को भी एक खो दिया था मैंने। हाँ इसे भी रखते हैं यहाँ और देखते हैं। अरे और फंसे, वाओ सो लकी गाइस, आई एम सो लकी। या ये देखो ये, वाओ वाओ गाइस आई एम सो लकी। सुबह में इधर गिरा था, अरे वो भी मिल गया मेरे को, इतना लकी। वो मरा हुआ था, अरे मर गया था ये, देखो सुबह में जो खोया था ना मैंने वो वाला मिल गया, देखो मेहनत का फल। वाह मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। या चार तो मिले हैं, मैंने तीन जाल बिछाए, एक जाल में अगर चार चार भी फंसे हैं ना तो 12 मिलेगा मुझे, 12 तो काफ़ी होगा जो कि डिनर के लिए। तो ये जो प्लांट है ना गाइस, इसमें मैं मछलियों को रखूँगा। इससे हम लोग बचपन में जो है, जब भी हम लोग ऐसे मछली मारते थे तो ऐसे ही प्लांट पे जो है मछलियों को रखा करते थे कुछ इस तरह से। इस वाले जो ग्रास है ना उसको मैंने नीचे से एक गात लगाया, ये देखिए नॉट लगा के जो है इसमें इसे टांगते हैं। अभी दूसरा वाला को देखते हैं, इसमें जो लगाया मैंने इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, थोड़ा सा इसके जो होल है बड़े वाले हैं, बड़े वाले मछली है कि नहीं पता नहीं, अगर बड़े वाले मछली होंगे तभी फंसेंगे वरना नहीं फंसेंगे इसमें, मुझे थोड़ा सा डाउट है। रात भर रखने का बाद थोड़ा सा चांसेस है मछलियाँ फंसने का, लेकिन अभी बहुत कम चांसेस लग रहे हैं मुझे। अरे भाई लगता है नहीं फंसे, रुको इन्हें मैं यहाँ छोड़ के जाता हूँ, उसके बाद अंदर जाके देखता हूँ मैं। अरे फंसा है भाई, ये देखो थोड़ा सा साइज बड़ा है ना इसका, इसको बाद में खोलेंगे। इधर और जाके देखते, और इधर एक वाह देखो गाइस देखो, वाह दो फंसे हैं इसमें। आप लोग को दिखाने के चक्कर में बिल्कुल रिस्क में डाल रहा हूँ मैं अपने फ़ोन को, अरे गोप्रो होता तो अच्छा होता। देखो फिर भी एक्सपर्ट हूँ मैं निकालने में, देखो एक हाथ से निकालना, देखो आसान है बस टेक्निक आना चाहिए। दूसरा वाला कहाँ था, हाँ यहाँ, हाँ ये रहा। मैं सभी मछलियों को निकाल के जो मैं वापस जा ही रहा था गाइस, और अनएक्सपेक्टेडली यहाँ बिल्कुल कोने में देखो यहाँ एक तो फंसा है। वाह देखो पूरा टाइगर जैसा है ना इसका कलर, ये देखो बिल्कुल टाइगर की तरह है, बंगाल टाइगर की तरह। दूसरा वाला जाल जो है यहाँ पे, अरे देखो अरे इसे यहाँ छोड़ के जाता हूँ, यहाँ पे फंसे है क्या अभी। हाँ ये देखो कैसा वाला मछली फंसा है गाइस, वाह इस मछली का नाम क्या है मुझे मालूम नहीं है, हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं थुतलिंग मास, काफ़ी टेस्टी होती है गाइस ये। वाह देख सकते हैं कैसे कैसे मछलियाँ मिल रहे हैं मुझे। अरे तो इसे भी मैंने टांग दिया है निकाल के गाइस, देख लो अभी चेक करता हूँ फिर से दूसरी छोर की तरफ, उधर भी फंसे होंगे शायद, फंसे है तो अच्छा है, नहीं फंसे तो भी अच्छा है। ये देख लो भाई क्यों नहीं फंसेंगे, हाँ कि हाँ नहीं फंसेंगे, ये देख लो पानी काफ़ी गर्म है गाइस क्योंकि धूप बहुत तेज था, तो पानी पूरा टेम्परेचर हाई हो गया, पूरा बॉइलिंग वाटर जैसा हो गया। अरे हाँ फिर से इसे छोड़ के आता हूँ, और भी फंसे हैं मुझे दिख गए हैं दूर में, ये लो भाई। तो अभी गाइस मैं हर बार जो है पानी में ले जाके रिक्स में डाल रहा हूँ अपना फ़ोन को, तो अभी फ़ोन को यहीं पे छोड़ के जाता हूँ, सारे निकाल दिखा तो आप लोग को दिखाऊंगा कितने मिले मुझे टोटल।
तो मैंने सब उठा लिया गाइस और ये मिले हैं मुझे इतने। तो पहले वाला जो ग्रास था उसको मैंने चेंज कर दिया कि काफ़ी छोटा पड़ रहा था ये। तो ये लगभग 1 किलो होंगे मछलियाँ, तो आज 1 किलो मिले हैं मुझे 3 घंटे जाल लगाने के बाद। और रात भर रखेंगे तो 2-3 किलो भी मिलेंगे। तो फिलहाल चलते हैं हम गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मुझे इतने मछलियाँ मिले, रात को हम इससे डिनर करेंगे, एकदम टेस्टी टेस्टी लोकल मछलियाँ गाइस।